दीदी हम लोग को मिलने के लिए हम लोग को रिक्वेस्ट है, आप लोग ममता दीदी हम लोग से मिलिए एक बार, हम लोग की दीदी हम लोग से मिलिए एक बार, हम लोग तकलीफ में हैं। 5 साल से हम लोग का ये जो केस चल रहा है, इसके लिए ये केस से हम लोग को रिहाई दिलाइए। हमारी मांगे पूरी करो। नमस्कार, मैं रतन, आप देख रहे हैं बिग न्यूज़। अभी हम मौजूद है बड़ा बाजार के 57 पार्क AC में। यहाँ पे सैकड़ों की तादाद पर व्यवसायी वर्ग आंदोलन पर उतर रहे हैं। मैं कैमरामैन को दिखाना चाहूँगा, बोलना चाहूँगा कि एक बार दिखाए कि व्यापारी वर्ग जो दुकान छोड़कर, दुकान में ताले लगाकर आज रास्ते पे बैठने को मजबूर है, और वो उनकी यही मांग है कि जल्द से जल्द प्रशासन उनकी मदद कर उनके ये समाधान करे। हम यहाँ पर अभी धरने में बैठे हुए हैं कारण कि हमारे मार्केट की लाइट काट दी गई है। मार्केट का मेंटेनेंस हैप्पी होम एंड होटल्स प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी कर रही है, जिसके नाम पर बिजली का बिल है, जिसका दायित्व था इलेक्ट्रिक का बिल पेमेंट करने का, मगर वो पिछले कई महीनों से बिजली का पेमेंट उसने नहीं किया है और इस वजह से लाइन कट दी गई। हमारी डिमांड ये है कि जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाए, हमको इंटरिम मैनेजमेंट का पावर दिया जाए। हमने प्रशासन से भी गुजारिश की है, हमारे KMC के साथ भी बात मीटिंग हो चुकी है, मगर पिछले 3 महीने से मीटिंग हमारी कोई सफल नहीं हो रही है। कोई मीटिंग का टाइम हमको नहीं दिया जा रहा है। आज भी कमिश्नर सर से बात करने की मीटिंग फाइनल हो गई थी, मगर किसी कारणों से उनका डिनाई का लेटर आ गया था कि वो नहीं कर पाएंगे। पिछले साल भी मार्केट की लाइट कटी थी, इसी तरह से हम सभी धरने पर बैठे थे, हमने पिकेटिंग की थी, तो हमारे सभी मेयर साहब, बड़ाजार थाना, बड़ा पुस्ता थाना और लाल बाजार थाना ने आकर के सेटलमेंट करवाया था। उस वक्त हम सब KMC के भी अधिकारी थे और हम सब बैठ करके हैप्पी होम के साथ मीटिंग हुई थी। उन्होंने आश्वासन दिया था कि 3 महीने के अंदर हम ये रिसॉल्व कर देंगे। अगर कोई कोर्ट से ऑर्डर आ जाता है तो भी बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इंटरिम मेंटेनेंस मार्केट को दे देंगे। हम ये एग्री हो गए थे कि ठीक है, हमको 3 महीने में शॉर्ट आउट मिल जाएगा। तो हमने एक मुश्त जो पेमेंट हैप्पी होम के अकाउंट में बाकी था, उस समय हमने पूरा एक मुश्त 30 लाख का पेमेंट हमने मार्केट के द्वारा किया था। और इसके बाद हम 10 महीने तक हमने 1 करोड़ रुपया करीब मेंटेनेंस इलेक्ट्रिक का पेमेंट हमने कर दिया, मगर KMC और हैप्पी होम की गलत नीतियों की वजह से हमें अपना अधिकार नहीं मिल रहा है, हमें कोई न्याय नहीं मिल रहा है। हमने कई बार कोशिश की कि आप हम लोगों को एंट्री मेंटेनेंस दे दीजिए, मगर वो नहीं दे पा रहे हैं। अब हमारी 2 डिमांड है, हम तब तक धरने पर बैठे रहेंगे जब तक या तो दीदी हमारे साथ आकर के वार्ता करें। माननीय मुख्यमंत्री, आज हमारा मार्केट 350 दुकानों का मार्केट है, इसके पीछे 5000 परिवार पलते हैं। कितना बड़ा परिवार हमारा पलता है, हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र है और बड़ा बाजार का हार्ट ऑफ द सिटी में हमारा मार्केट है। तो हम चाहेंगे कि हमारी इस बात को सुना जाए, जो न्याय करना चाहते हैं वो न्याय कीजिए, हमें सब तरफ से मंजूर है। हमने ये भी कह दिया था कि अगर इंटरिम मेंटेनेंस हमको दे दिया जाए तो हम AC ठीक से चला पाएंगे, मेंटेन कर पाएंगे, और हम पूरा हमारा जो ड्यूज है हैप्पी होम के अकाउंट में वो हम देने को तैयार हैं, हम दे करके नक्की कर देंगे। लेकिन हमें अधिकार मिलना चाहिए कि मेंटेनेंस हम कर पाएँ। इसी बात का विरोध के लिए हम ये धरना दे रहे हैं और हम अभी धरने पर बैठे हैं। अगर हमें प्रशासन ने हमारी बात नहीं मानी तो हम आमरण अनशन की तरफ चले जाएंगे, और ये सिर्फ धमकी नहीं होगी, यहाँ पूरे मार्केट के 5000 लोग मिल करके हम इस धरने पर बैठ करके आमरण अनशन की तरफ चले जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल छवि खराब हो रही है, लेकिन देखिए कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आज ये सिर्फ कलकत्ते का ही नहीं, पूरे भारत का एक हार्ट ऑफ द सिटी का मुख्य मार्केट है। इसकी प्रसिद्धि और इसके कस्टमर और इसका जो भरोसा है पूरे भारत के अंदर है। लोग इस मार्केट पर भरोसा करते हैं, हम इतनी ईमानदारी से और इतनी जेन्युइन तरीके से काम भी करते हैं कि लोगों को हम लोगों ने लोगों का भरोसा जीता है। मगर जब अन्याय की हद हो जाए तो कहीं ना कहीं हमें विरोध में उतरना पड़ता है। हम नहीं चाहते कि हम व्यापारी वर्ग इसलिए नहीं बैठे हुए कि सड़क पर धरना दें, लेकिन मजबूरी है, प्रशासन हमारे साथ नहीं है, हैप्पी होम हमारे साथ गलत नीतियों पर अत्याचार कर रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं। हम शांत प्रिय लोग हैं, हम मारधाड़ नहीं करते, हम शांति से गांधीवादी नीतियों पर चल करके ये अनशन पर बैठे हैं। नहीं, अभी तक हम बहुत शांति से हम अपने कार्यक्रम कर रहे हैं। प्रशासन की अभी तक जू नहीं रहेंगी है, न पुस्ता थाना से या बड़ाजार थाना से अभी तक हमारे पास कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है। हमारे लोग गए हुए हैं KMC के अंदर वहाँ वार्ता करने के लिए, अगर वहाँ भी हो गई तो ठीक है, नहीं तो हम यहीं पर बैठ कर धरना दें। आज हमारे कमिश्नर सर से बात होनी थी, लेकिन उनका मैसेज आ गया किसी व्यक्तिगत कारणों से वो नहीं कर पाएंगे। KMC के कमिश्नर सर से हमारी बात होनी थी, लेकिन उन्होंने कैंसिल कर दिया। मेरी प्रतिक्रिया ये है कि आज ये जो रेपुटेशन मार्केट की ख़राब हो रही है, जो आप सही बोल रहे हैं ख़राब हो रही है, रेपुटेशन ख़राब होते होते हम लोग का बिजनेस भी हैम्पर हो रहा है। और आज के डेट में ये सभी जानते हैं, जितने भी बिजनेसमैन हैं उन लोग कोई झगड़ा नहीं करते हैं, ना ही उन लोग झगड़ा करना चाहते हैं, ना ही उन लोग की झगड़ा करने की नीति है।
मैं ये कह रहा हूँ कि 5 साल जब ये केस चल रहा है तो कोर्ट केस अपनी जगह है, मार्केट में एसी एकदम नहीं चलता है। पिछले साल 1 साल का इलेक्ट्रिसिटी बिल एसोसिएशन ने भरा है, हैप्पी होम्स एंड होटल्स ने नहीं दिया। आज यदि ये हैप्पी होम्स एंड होटल्स ने पिछले 1 साल का बिल नहीं दिया है, हम लोग ने दिया है, तो आज हम लोग ये सफ़र क्यों करें, पहला बात। दूसरा बात, जब उनका टेंडर ख़त्म हो गया है तो उनको टेंडर मिला कैसे? आज उनको ये टेंडर कैसे मिला? केएमसी से इतनी बड़ी भूल कैसी हुई? मैं सरकार को दोष नहीं दे रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार से अगर गलती हुई है तो उस गलती को सुधार ले। मैं सरकार को फिर कह रहा हूँ, मैं सरकार के साथ हूँ, मैं ममता बनर्जी के साथ हूँ, मैं अभिषेक बनर्जी के साथ हूँ। ममता बनर्जी जिंदाबाद, अभिषेक बनर्जी जिंदाबाद। किंतु ये हम लोग के साथ ऐसा अन्याय क्यों हो रहा है? हम लोग के पेपर में लिखा हुआ है, पेपर कहाँ पर है? पेपर अभी मार्केट के अंदर में है, वो भी मैं ला के आपको दिखाऊँगा। मैं हम लोग आपको एक एक कागज़ देंगे, जो कागज़ आपको रिक्वायरमेंट है, चाहे वो टेंडर का हो, चाहे वो लीज़ का हो, कोई भी चीज़ का हो, उसमें क्लॉज लिखा हुआ है कि आपका इतना साल के बाद आपका टेंडर ख़त्म हो गया है। हम लोग सब लाइसेंसी हैं, 350 यूनिट है, 352 अप्रॉक्स, तो आज के डेट में हम लोग सब लाइसेंसी हम लोग बन गए हैं। तो ये जब पवन कजड़िया हैप्पी होम्स एंड होटल्स के जो केयरटेकर हैं, जब उनको हटा दिया गया है, तो हम लोग के ऊपर इतना जुल्म क्यों उठा रहा है? केएमसी ने उनसे क्या लिया, क्या दिया, हम लोग को कोई मतलब नहीं है, ना हम लोग जानना चाहते हैं। हम लोग को खाली अपना अधिकार चाहिए। ये हार्ट ऑफ द सिटी में सत्यनारायण पार्क एसी मार्केट है। आज का डेट में इतना बड़ा मार्केट, 350 दुकानें, ओनर स्टाफ, भैया ने कहा कि अपना 5000 जिंदगियां, मैं कहता हूँ 5000 नहीं, 8000 है। किसी घर में 2 बच्चे हैं, किसी घर में 4 बच्चे हैं, कोई माँ बाप के साथ रहता है, कोई चाचा चाची के साथ रहता है। तो आज एक बात बताइए, 8 से 10 हज़ार का परिवार क्या रस्ते में आ जाएगा? एक बात भैया ने कहा, वो मैं इनको बता रहा हूँ, आप लोग को बता रहा हूँ, सरकार को बता रहा हूँ, पोस्ता थाना को हम लोग ने कोई तकलीफ नहीं दिया। आज हम लोग रास्ता में उतरते, थाना आता, नहीं हटते, लाठी चार्ज होता। हम लोग ने 5 साल में आज तक ऐसा नहीं किया, एक बार किया था, थाना ने कहा था कि आप लोग ऐसा मत करिएगा, हम लोग को प्रॉब्लम होता है। तो हम लोग ने आज यहाँ पे अपना खर्चा करके 3 कुर्सी, चेयर, ये सब लगाया, इसका भी खर्चा होता है, ये पॉकेट से लगता है। तो ये चीज़ हमको बताइए कि आज का डेट में ममता बनर्जी दीदी हम लोग से सिर्फ 4 आदमी से मिले। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 5 आदमी वहाँ जाएगा, सिर्फ 4 आदमी जाएगा, 4 आदमी मिले और बैठ के हम लोग का 15 मिनट बात सुने। हम लोग की मेयर के साथ मीटिंग हुई थी, फिराद हकीम जी बहुत अच्छे इंसान हैं, किंतु मीटिंग करने के बाद कोई निष्कर्ष नहीं निकला। जब कोई चीज़ का निष्कर्ष नहीं निकलेगा तो मैं क्या समझूँगा, आप बताइए मैं क्या समझूँगा। हम लोग को अपना फ्री होल्ड चाहिए, हम लोग को अपना लाइसेंसी चाहिए, बस हम लोग को और कुछ नहीं चाहिए। और मार्केट की जो गति है, एसी इतना ख़राब हो गया है कि आज हम लोग का 70% कस्टमर ख़त्म हो गया। धन्यवाद। सीएससी के बिल बकाया होने के कारण यहाँ के एसी मार्केट के लाइन काट दी गई है, और इसी के विरोध में यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में यहाँ के जो व्यापारी वर्ग है वो आंदोलन में उतर आए हैं। उनकी एक ही मांग है, जब तक सीएससी के तरफ से एवं यहाँ की मुख्यमंत्री जब तक इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करती है, तब तक ये आंदोलन नहीं थमेगा। और आने वाले दिनों में ये अगर प्रशासन की ओर से कोई अगर नहीं आता है तो आने वाले दिनों में ये वित्त आंदोलन का रूप लेंगे। कैमरामैन गोविंद के साथ मैं रतन, कोलकाता।